Assalamu alaikum, my name is Amna Ajmal. I'm running my brand with the name of Amna Ajmal Haute Couture. और ये मैं almost 14 years से कर रही हूँ. And next, अभी तो मैंने 7 years पहले एक सैलून भी ओपन किया. सैलून का नाम है आमना अजमल सैलून. और माशाल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा है. जब हम सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड रन कर रहे थे जो ब्राइडल ब्रांड है, पहले सिर्फ ब्राइडल था, देन हमने प्रेट लॉन्च किया, उसके बाद लॉन लॉन्च की, तो डिफरेंट चीज़ें करने से और ज़्यादा इन्हांस हुआ हमारा ब्रांड. और एमएम आलम रोड पे हमारा स्टोर है और आप उसमें ब्राइडल भी देख सकते हैं, प्रेट भी देख सकते हैं, अनस्टिच भी देख सकते हैं और सैलून इज़ ऑल्सो एट एमएम आलम रोड. एक्चुअली फैशन इज़ इन माई ओपिनियन फैशन स्टाइलाइज करना है. फैशन वो है जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा हो. इवन दो जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो मुझसे वो पूछता है कि इन फैशन क्या जा रहा है, तो मैं उसे कहती हूँ जो आप पे अच्छा लगेगा. ऑब्वियसली हम फॉलो करते हैं कि ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं या शॉर्ट शर्ट्स हैं या ब्राइडल किस तरह के होने चाहिए, बट जो पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, दिस इज़ कॉल्ड फैशन फॉर माई ओपिनियन. फैशन डिज़ाइनर अच्छा उसी सूरत से बन सकता है अगर वो क्लाइंट की साइकी समझता है. पहले तो क्लाइंट की साइकी समझना पड़ेगी कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट क्या उसके लिए बनाना चाहिए. उसके अलावा फैशन ट्रेंड्स, जो कि उस ईयर के फैशन ट्रेंड्स हो, वही फैशन ट्रेंड्स वो ऑब्वियसली किसी शो में लेके आए या कोई वॉक में लेके आए या मॉडल के ऊपर अगर आ रहा है, शूट्स हो रहे हैं, तो इन द गुड मैनर और गुड वे से जो प्रेजेंट किया जाए वही अच्छा फैशन डिज़ाइनर वही होता है. फैशन डिज़ाइनिंग एक्चुअली फैशन में जो हम करते हैं, पहले स्केचेस होते हैं, फिर उसके बाद उनके कलर फाइनल होते हैं, कलर फाइनल होने के बाद सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होने के बाद फिर एक प्रोडक्ट सामने आती है. कई दफ़ा वो प्रोडक्ट खुद डिज़ाइनर को अच्छी नहीं लगी होती. सेल्फ मुझे भी बहुत दफ़ा कुछ प्रोडक्ट मैं जब मैनिकन पे करती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता, मैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ. फिर उसमें वो सेंस डालती हूँ जो लोगों को पसंद है. और जो हम स्कूल में पढ़ते थे वो बड़ा डिफरेंट था. स्कूल में होता था कि हम लोग वो करते थे जो बिल्कुल वेस्टर्न कट्स होते थे और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टाइल्स होते थे, जो सिल्वेट्स बहुत ज़्यादा हाई होती थी, जो ऑब्वियसली किसी आम क्लाइंट से संभाली नहीं जाती थी. तो वो सब चीज़ें फिर जब हम रियलिटी उसमें आते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट बेस्ड होती हैं. तो फिर जब मैनेकन पर चीज़ हम फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद स्केच में चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है, बट वो अगर मैनेकन पर अच्छी नहीं लग रही है तो उसको फिर चेंजेस करके हमें रियलिटी के लिए करना पड़ता है. तो फैशन डिज़ाइनिंग एक्चुअली यही है, प्रोसेस ऑफ थिंग्स, कि उसको फैशन और फॉर द क्लाइंट कैसे डेवलपमेंट. मैं फैशन इंडस्ट्री को बहुत आगे देखती हूँ क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो एक प्लेटफॉर्म था हमारे पास, फैशन के एक दो शोज़ होते थे, बस चीज़ें वही होती थी. बट वो आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे को एक शूट के लिए एक पूरी टीम चाहिए ना, स्टाइलिस्ट चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, ये सब चीज़ें. तो इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है इन चीज़ों से. पहले कभी जब हम आए थे 2008 की बात है, तो वहाँ शूट होता था, दो तीन फोटोग्राफर्स थे, वही काम कर रहे थे, तब टीम वर्क नहीं था. अब तो फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे है और इंशाल्लाह और आगे जाएगी. जैसे आपने देखा है कि अब्रॉड में होती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे है. मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंडियन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंडियन पहले बहुत ज़्यादा इन था, वही उसको इंडियन में थोड़ा सा और ज़्यादा ईस्टर्न टच डाल के पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो है काफ़ी आगे जा रही है और बहुत ज़्यादा एग्जिबिशंस हो रही हैं बाहर और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तानी काम. स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैशन. अगर आपने कुछ भी पहना है और उसको स्टाइल नहीं अच्छा किया हुआ तो वो मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता है. और एक डिज़ाइनर का भी यही काम है कि वो उसको स्टाइल करके प्रॉपरली बना के दे, प्रॉपरली सेटिस्फाइड करे. इसीलिए हम शूट्स भी कराते हैं ताकि वो उसमें हम एक से दो तरह की स्टाइलिंग सिखा देते हैं,
ताकि लोग उसको उस तरह कैरी करें जिसको जैसे पसंद है। आजकल फैशन इंडस्ट्री में शूट्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी वजह ये है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है। जब तक कुछ दिखेगा नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या है। हर कोई स्टोर पे नहीं आता, वो पहले देखता है कि आपका इंस्टाग्राम कैसे चल रहा है, आपका फेसबुक कैसे चल रहा है या आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है। तो वेबसाइट पे कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए शूट्स और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बेसिकली मैंने ज़्यादा काम किया खावर भाई के साथ और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वहाँ मॉडल्स हमने हर बड़ी सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, किंजा हाशमी के साथ हमने काफ़ी काम किया और बहुत अच्छी हैं अभी भी स्टिल हमारा उनके साथ, वो बहुत अच्छा कैरी करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं हमने। और जो फैशन नूरे भट्टी जो है बहुत देर मेरी वो रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर रही हैं और बड़ा अच्छा कैरी करती थी अपने दौर में। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। इवन दो मैंने एक चैनल में काम किया है तो वहाँ पे भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को मैं अपने कपड़े स्टाइलाइज़ करती थी और बहुत अच्छे लगते थे। एक्चुअली फॉर द मूड्स होते हैं, मतलब कभी ट्रेंड्स में आ जाते हैं लॉन्ग शर्ट्स आ जाती हैं, कभी सेलवेट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कभी होता है कि बहुत गाउन्स आ रहे हैं, कभी शॉर्ट शर्ट्स आ गई, तो ट्रेंड्स एक जैसे नहीं रहते हैं। तो ट्रेंड्स एक और चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड्स आप देख के भी, अब ये नहीं है कि कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आप किसी को लॉन्ग शर्ट शूट नहीं कर रही, सूट नहीं कर रही तो वो पहन के जा रहा है, तो किसी को शॉर्ट शर्ट शूट करती है, किसी को लॉन्ग सूट करती है, किसी को गाउन सूट करते हैं, किसी को चोली नहीं सूट करती है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ही ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए। 2022 के ट्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंगली स्लीक शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स विद द कैप्रीज, और अगर आपने थोड़ा सा ट्रेडिशनल होके जाना है तो पेशवास बहुत ज़्यादा इन चाहिए। फैशन मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सेंस, आपकी सेंस लोगों को दिखाता भी है और आपकी अपनी सेंस भी डेवलप करता है, क्योंकि आप जब फैशन को अच्छा कैरी करने की कोशिश करते हैं तो खुद से आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होती है। मार्केट में आजकल जो इन है बहुत ज़्यादा वो इस तरह के कपड़े हैं जो वो शादी पे भी पहन सकें, आम रूटीन में भी पहन सकें, इकोनॉमिकल हों और इस तरह के कैरी कर सकें कि वो हर जगह पे पहने जा रहे हों। तो जो ट्रेंड्स के अगर आप अकॉर्डिंगली देखें तो लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन हैं, लॉन्ग शर्ट्स के साथ टेप्ड लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं। और जो क्लाइंट डिमांड करता है, आजकल क्लाइंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब पहले क्लाइंट और तरह का था, अभी और तरह का है। अभी लोग इकोनॉमिकल जोड़े चाहते हैं और कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें चाहते हैं, और ऐसा हम सब ब्रांड्स कर भी रहे हैं कि कम प्राइजेज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हैं। फैशन ब्रांड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, इवन तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई फैशन डिज़ाइनर है, और मेरे अकॉर्डिंगली बेहतरी आई है। लोगों को बहुत हैसल करनी पड़ती थी ना, अब तो हर जगह पे डिज़ाइनर है और हर जगह से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, इकोनॉमिकल मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत बेहतरी आई है। के आने से फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आया है, लोगों को बहुत बिजनेस मिला है, यानी लोग घर से बिजनेस कर रहे हैं। मतलब इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा था, हमारे पास मैगजीन्स होते थे, हम शोज़ करते थे और बड़े मतलब इकोनॉमिकल नहीं होते थे, वो हमें बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती थी उसके लिए। बट सोशल मीडिया पर तो आज एक जोड़ा लगा होता है और लोग कॉपी भी खैर बहुत होता है इससे, एक नुकसान बड़े डिज़ाइनर को हम लोगों को तो बहुत हुआ,
बट एक फ़ायदा भी है कि वहाँ पे एक चीज़ इतनी वायरल हो जाती है कि उससे लोगों को भी बड़ी आसानी होती है कि वो घर में बैठ के भी कुछ भी अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने देखा है तो चेंज तो काफ़ी आया है, क्योंकि बट एक थोड़ा सा बैड चेंज भी आया है जो मेरे अकॉर्डिंगली शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, कि अब जो डिज़ाइनर नहीं भी है ना, वो भी पैसे दे के डिज़ाइनर है। वो किसी भी शो में कहीं पे भी कुछ भी स्पेंड करके बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन जाता है। और जो हम जैसे लोग हैं, जो कि ऑब्वियसली वो भी डिज़ाइनर हैं, सब लोग हमें भी अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट उनसे ज़्यादा क्योंकि वो इकोनॉमिकल चीज़ें बेच रहे हैं हमारी कॉपी करके, और उसके अलावा वो शोज़ में भी आ जाते हैं। तो एक ये चीज़ थोड़ी मुझे ड्रॉबैक लगी, बट बाकी फैशन इंडस्ट्री हमेशा से ही अच्छा ही जा रही है अभी तक। इसका पॉजिटिव मुझे ऐसे लगता है कि अब बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर हर तरह का है, और एक पूरी टीम होती है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक हमारे पास एक स्टूडियो होता था, हम वहाँ शूट करते थे और शूट करके वापस आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, एक शूट के ऊपर ऑलमोस्ट 30 लोग होते हैं जिनका रिस्क लगा होता है एक शूट से। तो आप, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडस्ट्री इस बात से, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे मौके दे रही है। कल्चर और हिस्ट्री फैशन के थ्रू पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम फैशन की जो अपनी कैंपेन्स करते हैं, वो हम इंस्पायर्ड होते हैं हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ों से और अपने कल्चर से भी, और वो हम लोगों को वो दिखाते हैं, उसी तरह के भी जोड़े बनते हैं। फैशन को हम अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जैसे मुगलिया दौर हो गया या कोई भी ऐसे जो हमारे यहाँ के कल्चर्स हैं, उनको हम फैशन में बहुत इन्हांस करते हैं। और जो हम बाहर भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम अपना कल्चर करते हैं। मुगलिया दौर को बहुत ज़्यादा हम मुगलिया मोटिव्स और इस तरह के जो मिनिएचर के डिज़ाइन उस पर बने होते थे उनके आर्किटेक्चर में, वो सब हम अपने कपड़ों पे यूज़ करते हैं। और फैशन इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इसको इन्हांस भी कर रहे हैं हम, कि हम अपने कल्चर के साथ लेके जोड़े पूरी पूरी कलेक्शंस बना रहे हैं। कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लोगों के सामने तो प्रेजेंट हो जाता है ना, 10 जोड़े आ गए या 5 जोड़े आ गए, एक मेहनत होती है प्रॉपर। पहले स्केचेस बनते हैं, स्केचेस बनने के बाद वो अप्रूव होते हैं, अप्रूव होने के बाद हम उसको सैम्पल्स पे लेके जाते हैं, जब सैम्पल्स पे लेके आते हैं तो फिर उसके बाद बनती है। पूरी कलेक्शन के पीछे एक पूरा टीम वर्क होता है। एक्चुअली एक कलेक्शन एक बंदा नहीं निकाल सकता, उसके लिए आपके अड्डा वर्क वाले लोग होते हैं, उसके लिए आपके साथ डिज़ाइनर्स होते हैं, उसके साथ आपके रंग साज होते हैं जो रंग करते हैं कपड़े को, फिर कपड़े वाले होते हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रॉपरली शूट होता है। वो शूट होने के बाद एक मॉडल के ऊपर पूरा प्रेजेंट होने के बाद फिर वो एक पूरा कैटलॉग बनता है, उस कैटलॉग के बाद लॉन्च होता है। तो कलेक्शन के पीछे बहुत मेहनत होती है। अच्छा, जब कलेक्शन डेवलप हो जाती है तो फिर वो स्टिच होती है, स्टिच होने के बाद उसका प्रॉपरली शूट होता है, प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है, उसका पूरा सेट डिज़ाइन होता है, सेट डिज़ाइन होने के बाद उस पर प्रॉपर शूट होता है, वीडियो बनती है, फिर सोशल मीडिया पे जाता है या किसी मैगज़ीन में जाता है या कहीं ना कहीं किसी शो में लॉन्च होता है। मेरा अपने यंगस्टर के लिए एक ही मैसेज है कि आप अपने काम को बहुत हार्डवर्क
की तरह मतलब देखें, और एक दफ़ा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल तो करें। यहाँ पे ये होता है एक कलेक्शन बनती है, उसके बाद वो डिज़ाइनर ही गुम जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आप कुछ इससे अर्न भी करें और अपना नाम भी बनाएं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिए और रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है इंशाल्लाह। इसी तरह हमने भी 14 ईयर्स में बहुत बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे किया है और आज हम लोग कुछ ना कुछ तो नेम बना रहे हैं। तो आप भी इसको प्लीज़ ज़रूर, हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आमना अजमल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फैशन डायरी। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।